feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted. Assalamualaikum, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टूर एंड टॉक। तो स्टार्ट करते हैं आज का ज़बरदस्त व्लॉग। ओके हाँ जी हजूर, दसो ज़रा किधर जा रहे हैं आज? खुमिया में रहना है। आज हम जा रहे हैं जी खुमियों का शिकार, जिनको बोलते हैं मशरूम। तो हमारे एरिया में ये जो सावन का महीना होता है, हब्स होती है ज़्यादा, तो यहाँ अब ज़्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ पर निकलते हैं। तो देखते हैं, अभी जा रहे हैं शिकार। बचपन में तो हम बहुत ज़्यादा लेके आते थे, अभी जाते हैं फिर देखते हैं। और टाइम हो रहा है सुबह के तकरीबन 7 होने वाले हैं, 6:45 होंगे। छापर दो बूंद, वाह ये हम छापर भी ले आए हैं। तो हाँ दो, कोई पता नहीं चलता, नसीब खुल जाए और बहुत ज़्यादा मिल जाए। तो इसलिए अभी जा रहे हैं, रोड पे आपको भी दिखाते हैं इनका देसी तरीके से शिकार, किस तरीके से ये नेल लेते हैं हम, कहाँ से ये मिलती हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, बहुत ही आप में से कम लोगों ने मशरूम देखी होंगी नहीं जो ऑर्गेनिक और कुदरती तरीके से जिन जगह पर उगती हैं। तो आपको आज वो दिखाते हैं। अच्छा, और बहुत ही कम लोगों ने टेस्ट भी की होंगी। इनका जायका बहुत ही टेस्टी होता है, आउट क्लास। इनके अंदर टोटल प्रोटीन होती है, तो आपको भी मज़ा आएगा, आप भी इंजॉय करेंगे मशरूम हंटिंग को। और दिखाते हैं कौन कौन सी जगह पर होती हैं। व्लॉग को पूरा देखिएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो खाली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, शुक्रिया। ओके अभी अभी एक चाचा जी जा रहे थे, उनके पास छापर है, वो काफ़ी ज़्यादा लेके जा रहे थे। अजू को छोड़ गया उसने ऐसा नाम ब्रो लाग तो ऐसा है, सारी जो उधर खड़ी थी वो ले गए। पर देखते हैं इंशाल्लाह मिल जाएंगी। हमें भी शिकारी हैं पता है, जिन जिन एरिया में अभी होंगी इंशाल्लाह तो हमें भी मिल जाएंगी हमारे शिकारी। हम भी बचपन के हाँ, तो इंशाल्लाह मिलेगी, हमें भी ज़रूर मिलेंगी। अपना ऐसा लेके जाएंगे और बनाएंगे। और माशाल्लाह जी मौसम देखें, फुल क्लाउडी बारिश वाला मौसम बना हुआ है। कारना फोकस, और साथ हबस भी है। हवा नहीं चल रही क्योंकि सावन का महीना आने वाला है, तो इस वजह से। और रोड के जो लेफ़्ट साइड है, इस पर मूंगफली का खेत है ये। और इसके मूंगफली के खेत में से जो मूंगफली के हैं वो पौधे, इनमें से जो गंद होता है एक्स्ट्रा वो निकाल रहे हैं लोग। इनको हमारी ज़बान में गोडी कहते हैं, तो लोग गोडी कर रहे हैं। फुल देसी माहौल। हमारे मशरूम हंटे का एरिया स्टार्ट हुआ चाहता है जी। आहा बहुत चंगा नाम है। तो यहाँ से भी हम जा रहे हैं नीचे। ये ज़्यादातर जो मट्टी वाला एरिया होता है इस तरह का, यहाँ पर उगती हैं। देखते हैं फिर इस एरिया में है या नहीं। यह उस चाचे जी ने सारी ले गया, बड़ी ज़्यादती की है चाचे ने। चलो ये वाला जितना भी एरिया है सारा तो यहाँ देख लिया जी। फ़िलहाल इस एरिया में हमें नहीं मिली, बट टेंशन नहीं है, ये अभी स्टार्ट है यहाँ से। तो आगे जाते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगी ज़रूर। मेन एरिया में अभी हम नहीं पहुँचे, ये तो अभी इधर से स्टार्ट किया। तो आगे इंशाल्लाह मिलेंगे, आपको दिखाएंगे ज़रूर। व्लॉग को पूरा देखिएगा। आई होप यू एंजॉय इट एंड लाइक इट। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद एक अदद खुमी। इस बिस्मिल्लाह करके पटा माशाल्लाह बड़ी मजबूत है ना। लो जी आवाज हो गया है आराम में न पट्टे पट किसे हथी न पिरा कथी। हाँ हर कोई खुशी थी को नहीं। हाँ से एक के साथ दूसरा फ्री जी। नहीं नहीं ये सफर आएगा ना वैसी ये जी दूसरी हटा एडियो खिलब भी थी तुसी बिच बननी हो। ये मन हाली चीज उतु नहीं माशाल्लाह जी माशाल्लाह दो। ओह माय गॉड लया लया। तो इस एरिया से माशाल्लाह स्टार्ट हो गए हैं जी दो मिली हैं अभी आगे और भी मिलेंगी। हाँ कोई सुकून आया ना क्यों ये खराब है चल एक भगा दे। गर्मी भी बढ़ती जा रही है जी सूरज भी निकला हुआ तोबा तोबा थारा मूड खराब कर दिया नज़र आ रहा है लेकिन कोई नहीं हमने पूरा ऑपरेशन करना है। हाँ लब्बी ना कोई खूम माशाल्लाह अभी आपको दिखाते हैं जी है देखें जी माशाल्लाह। आपको ही लगता है कि हमारी मेहनत ऐसे ऐसे रंग ला रही है। अभी इसको निकालते हैं ज़मीन से। वाह नाइस। हाँ हाँ चल सी एक हमें उस पार मिली है और थोड़ा सा फासला है बस ये वाला यहाँ उधर जाना। चलो निकालते हैं बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेगा नहीं। अल्लामा इकबाल साहब ने हमारे लिए तो फरमाया 10 दरिया भी ना छोड़े हमने खुमों के लिए खुदरियों में दौड़ा दिए खोड़े हमने। शाबा शाबा बिस्मिल्लाह करो बस। हाय हाय खुम में ढूंढना कोई सौखा कम थोड़ी है आला जी का घर नहीं है। चलो जी हाय ऑलमोस्ट चढ़ा है थोड़ा सा रास्ता रह गए कदम नहीं पई। जी एक बाल निशाई ना जी नखल दी हुई तो मैं थोड़ी कंड ला गई से चढ़ गए। रोल नंबर 4 तुम्हारे लिए हम इतने दूर से आए हैं। ये लो जी सबसे बड़ा लाइफ का खमूर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा है। ओए 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 पट्टू जी पट गई सो थोड़ा और करके आराम ना बेटा जल्दी नहीं 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 ठीक ही खाना बेटा फोकस करके ना। ओए 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 अब इसके साथ दूसरा भी है वो छोटा है लेकिन ना थोड़ा ख्याल ना रखें। यकीन करें कि जो हमें इधर से दो अभी मिले हैं ना एक खुम्बी होता है और खबूर थोड़ा मोटा होता है तो ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा क्यों जी हमने नहीं देखा इतना बड़ा हमने आज तक ज़िंदगी में खमूर नहीं देखा। 24 साल हाँ अपने 24 साल कैरियर में लेकिन ये है कि बहुत टेस्टी हुआ है इंशाल्लाह। अभी ये एरिया असल एरिया ये शुरू हुआ है अभी देखेंगे इंशाल्लाह इधर और क्या क्या निकलेगा। एक और मिल गई है जी माशाल्लाह खराब अभी कि नहीं ठीक वो तो नहीं गलत है हमारी किस्मत। चलो वाह जी वाह एक और खमूर माशाल्लाह। यहाँ पर आप दोनों खड़ी हैं इकट्ठी खुमी लेकिन आप देख सकते हैं ये ब्लैक है इसका मतलब है ये दोनों ख़राब हो चुकी हैं। अभी आपके पेशे खिदमत है आंखों को लुभा देने वाला सीन देखिएगा। चेक करें आप सिर्फ। पानी तो नहीं मिला जी हमें, पानी तो नहीं मिला जी, पानी नहीं दस रहे हैं जी। तो अभी वापस जा रहे हैं घर की तरफ। ये हमारा एंड पॉइंट था, यहाँ से आगे फिर नूरपुर शुरू हो जाता है। ये नूरपुर का कब्रिस्तान था। तो अभी नीचे उतर गए, यहाँ से बैक जा रहे हैं और सीन कुछ ऐसे हैं। अजमत साहब बूटों जो बूट हैं उनके तस्मे भर टाइट कर रहे हैं। आप तब तक सीन देखिए जी, माशाल्लाह। बादल भी हैं लेकिन ये है कि गर्मी बहुत ही बेइंतहा की है। घंटे की मेहनत और मशक्क़त के बाद फाइनली एक पानी का नलका मिल गया। क्या जब पानी जनाब ठंडा, चलो पानी पीते हैं फिर निकलते हैं आगे। आज का जो व्लॉग है ये थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आप ज़रूर पूरा देखिएगा। फिलहाल ये पानी वाला नलका मिला है, कुछ देर रेस्ट करने के बाद 5-10 मिनट उसके बाद पानी पीते हैं फिर निकलते हैं। ये इधर इन्होंने छप्पर टाइप बनाया हुआ है रहने के लिए। इधर कोई ज़रूरियात ज़िंदगी की थोड़ी बहुत चीज़ भी पड़ी हैं। इसके अंदर ये नमक और बाकी ये चटाई, ये मसाला जात वगैरह पड़े हैं क्योंकि जिन लोगों की ये जगह शायद वो वहाँ पर यहाँ पर रहते हैं और खाना वगैरह भी बनाते हैं। तो फिलहाल अभी हम नूरपुर के एरिया में ही हैं। नूरपुर से भी निकलेंगे तो फिर आगे जाएंगे अपने एरिया में टमन में। और आज सामने नूरपुर अनकड़। तो सही है कि 2-3 घंटे, हाँ 4 घंटे चलते चलते कंटिन्यूसली घर के पास पहुंच चुके हैं। तो ये बनाएंगे फिर आपको दिखाएंगे कि कैसी बनती हैं। तो इंशाल्लाह फिर फिलहाल अभी हिम्मत रहेंगे, अभी जाएंगे फ्रेश होंगे फिर मुलाकात होती है। आए ये है जी, कोई नहीं 2 वक्त की रोटी गरीब को चाहिए। 2 वक्त की रोटी के लिए कितने तक खाए, बाद में मुलाकात होती है। 2 hours later From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. तो सीन ये है कि जो खुमियाँ हम सुबह के टाइम लाए थे वो तकरीबन तैयार हैं, बन गई हैं। अभी लाते हैं और फिर खा के भी दिखाते हैं आपको कि इनका टेस्ट कैसे बना है और इसके साथ ही चेक करते हैं कैसी बनी है। बस आने वाली हैं माशाल्लाह जी। खाना हमारा आ चुका है। अभी जो खुम्बी हैं वो फ़िलहाल नहीं पहुंची, वो आती हैं। ये अचार और ये टमाटर केचप और ये सालन ये साथ। वाह लो जी खुम्बी आ चुकी हैं। हमारा दस्तरखान रेडी हो चुका है। वैसे तो टेबल वगैरह सारा कुछ है लेकिन हमने बोला है कि हम ज़रा नीचे ज़मीन पे बैठ के खाएंगे, ज़्यादा मज़ा आता है नीचे बैठ के खाने का। माशाल्लाह दिखने में ही बहुत प्यारी लग रही है डिश। बाकी अभी खाएंगे तो आपको चेक कराएंगे। वैसे भी भूख बहुत ही तेज़ लगी है क्योंकि सुबह से 3-4 घंटे जो पैदल चले हैं ना इनके लिए। तो ये अब आके आ गई हैं, इनको देख के बिल्कुल सब्र तो होता नहीं है, सब्र का पैनल लबरेज हो चुका है। तो ट्राई करते हैं फिर। तो फाइनली जी हमारा जो दस्तरखान है वो तैयार हो चुका है। लस्सी भी पड़ी है, लेकिन मेरा तो लस्सी से वास्ते नहीं है, कभी भी नहीं है। तो बाकी यह है कि सामान हमारा पहुंच चुका है, अभी ट्राई करते हैं। ये है जिसकी बाइट खुमी होगी, माशाल्लाह। मज़ेदार मज़ेदार माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। तो खाना खा के फिर बात होती है। हाँ जी, तो मशरूम वगैरह खा लिया जी, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी थे। इनका जो टेस्ट है, जिस तरीके से आमलेट होता है और चिकन, तो इनका फ्लेवर इसके अंदर से आता है, और इसके अलावा सबसे अलग इनका फ्लेवर होता है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरह एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।